that state. So you stand up first, the last, second last. Who is drinking water? What's your name? Parth. So what is the physical states of metal? I have given you the homework for this. We have already discussed in the class. क्यों नहीं क्लास में मैंने पूरी क्लास में यही समझाया और क्या समझाया तो कल क्या समझाया चलो आपको घर जाके मिला नहीं आपको क्या समझाया गया क्लास में द फिजिकल स्टेट आई हैव टोल्ड यू इन द क्लास इटसेल्फ हाँ तो टेल मी देन आई एम आस्किंग यू बेटे द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर यू स्टैंड अप up stand up what is physical state of matter aapse pucha jaye ki metal kaun si state mein there are matter ek matter ki baat kari thi maine jab class start hui thi to matter wo tha कि दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वॉल्यूम तो मैटर की थ्री फिजिकल स्टेट होती है पता है कौन सी सॉलिड लिक्विड गैस अब मेटल भी एक तरह टाइप का मैटर है क्योंकि वो भी ऑक्यूपाई स्पेस करता है तो मेटल की फिजिकल स्टेट क्या है गिव मी एन एग्जांपल ओनली सॉलिड इज देयर किसकी होती है लिक्विड इसकी क्या क्या सॉफ्ट मेटल आई एम नॉट आस्किंग यू द एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट मेटल आई एम आस्किंग यू द मेटल व्हिच इज अ लिक्विड मर्करी सिट डाउन आपको मैंने बोला है बी अटेंटिव इन द क्लास नेक्स्ट टाइम लास्ट मिनट पे जब लास्ट बेंच देयर सो इफ वी टॉक अबाउट बिट ए फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल दे आर जनरली सॉलिड ठीक यू आर आस्क्ड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल्स तो यू विल टेल एज दे आर जनरली हार्ड सॉलिड वी कैन से दे आर हार्ड लाइक हार्ड इज silver hard is gold hard is iron hard is copper these all are metals but few are soft metal soft metal like sodium symbol abhi se yaad karne shuru karo sodium Na then there is a potassium K okay now few metals or I can say one exception is there like mercury liquid is mercury the symbol of mercury is Hg ye abhi se start karoge bete 9th mein symbol aa jayenge 10th tak continued rahenge to abhi se aapko dheere dheere yaad karna shuru karo gallium haath mein melt ho jata hai टॉकिंग अबाउट नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स जो हैं वो जनरली क्या हैं आपके जनरली बट दे आर गैसेस अदरवाइज दे एग्जिस्ट एज सॉलिड एंड वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ लिक्विड आल्सो ठीक है जनरली दे आर गैसेस सेकेंड मोस्ट जो उनकी स्टेट होती है वो होती है सॉलिड एंड सबसे लीस्ट स्टेट में जो एग्जिस्ट करते हैं लीस्ट दैट इज लिक्विड
सो इन द गैसेस जो हम आम बात करते भी रहते हैं गैसेस के लिए, हाँ, तो वी नो दैट देयर इज अ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डोंट स्पीक लाइक दिस, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ एलिमेंट, इट इज अ कंपाउंड. यस्टरडे आई टोल्ड यू बेटे only one C is there, then it is an element. If there are CO2, that is a compound. Okay? So, nitrogen, oxygen, hydrogen, chlorine, these all are gases. Talking about symbol of nitrogen, it is N. But agar nature mein exist karta hai, toh ye N2 ki form mein exist karta hai, isliye hum N2 likhte hain. Theek hai? अकेले नाइट्रोजन का सिंबल क्या है? एन. एन अकेला एक एटम नाइट्रोजन का एग्जिस्ट नहीं कर सकता. तो जब भी आप लिखते हो नाइट्रोजन तो आप लिखते हो N2. समझ आ रही है? N2. वैसे ही अकेला ऑक्सीजन एग्जिस्ट, ओ एक एटम ऑक्सीजन का एग्जिस्ट नहीं कर सकता. वो क्यों नहीं कर सकता? हम क्लास 9th में देखेंगे. ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं जनरली O2. ठीक है, हाइड्रोजन अकेला H एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम जनरली क्या लिखते हैं? H2. नहीं आने, जो आपकी सिलेबस में है, जो आपके आगे केमिकल रिएक्शंस हैं, वही आने. Cl2, वैसे अकेली क्लोरीन की है Cl, मगर एग्जिस्ट कैसे करेगी? Cl2. तो वैसे ही बेटे ये गैसेस हैं, सॉलिड हैं, जैसे कि सल्फर, कार्बन, P4, फॉस्फोरस, बस इतना कर लें पहले. S सल्फर, ये सल्फर अब S की फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करती, ये S8 होती है, दैट इज ऑक्टाटॉमिक, यू विल डू इन 9th स्टैंडर्ड अगेन. ठीक है, अकेली S एग्जिस्ट नहीं करती, ये S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. इसके 8 एटम आपस में लगे होते हैं. ठीक है, कार्बन, कार्बन के तो बहुत सारे लगते हैं, मगर हम सी दिखा देते हैं. वैसे अकेला एस भी लिख सकते हो, एच भी लिख सकते हो. अकेले एलिमेंट का सिंबल तो एच ही होगा, अकेले एलिमेंट का सिंबल ओ ही होगा, अकेले एलिमेंट का सिंबल एन ही होगा. ठीक है, हम कहते हैं कैसे एटमोसफेयर, अब जैसे इस एटमोसफेयर में अगर मैंने ऑक्सीजन निकालनी हो तो मुझे अकेली ओ नहीं मिलेगी, मुझे O2 मिलेगी. अगर यहाँ से एटमोसफेयर में से मुझे नाइट्रोजन अलग करनी हो तो आई विल नॉट गेट N, आई विल गेट N2. ठीक है, वैसे ही लिक्विड की एग्जांपल हमने करी थी कल, एक ब्रोमीन. P4 बेटे, वैसे P है मगर 4 फॉस्फोरस इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं. हाँ, Br2 लिख लो, अकेला सिंबल. ठीक है, जैसे हमारा ये हैंड है, कहने का तो वन हैंड है, या जब मैं फिंगर्स की बात करूं, ये फिंगर्स हैं, कहने के तो 5 फिंगर्स हैं एक हैंड में. अगर हमें फिंगर्स बतानी हो तो हम 5 ही बताएंगे ना, क्योंकि वो अकेले अकेले तो एग्जिस्ट कर नहीं सकती. मगर एक फिंगर के लिए आप स्पेलिंग फिंगर ही लिखोगे, पर हमें ये भी अंदर से पता है कि वो 5 ही इकट्ठी एग्जिस्ट करेंगी. समझ आ रही है? वैसे सिंबल इसका क्या बोलोगे, H है या O है या P है या S है या ब्रोमीन का Br है. मगर ये मान लो जैसे एक हैंड में 5 फिंगर्स होती हैं, तो जब हम एक ब्रोमीन का मोल निकालेंगे तो हमें Br2 मिलेगा. गेटिंग माई पॉइंट? मुझे Cl2 मिलेगा, मुझे O2 मिलेगा, अकेला O कभी नहीं मिलता. मुझे अकेली फिंगर में यहां से लग कर सकती हूँ? ठीक है, we can't, क्योंकि बेटे दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस हैंड, इसके साथ 5 ही आती हैं. वैसे 2 ऑक्सीजन के एटम 2 ही लिंक्ड होते हैं,
ओके दिस यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू विल गेट द हायर क्लासेस. ये आपने रट्टे नहीं मारने शुरू कर देने, ये धीरे धीरे समझना शुरू करना है. ये आपने वो अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना क्या इतना याद करना पड़ेगा, अपने ब्रेन को इतना प्रेशर में नहीं लेना, सिर्फ समझो इसको. क्योंकि जब हम कोई रिएक्शन करते हैं, जब आपने प्रीवियस चैप्टर पे कंबस्टन करी थी तो आपने कार्बन प्लस ओ टू लिखा था, अकेला ओ नहीं लिखा था, लिखा था पर कार्बन अकेला सी लिखा था. गेटिंग माई पॉइंट? इसको ओ टू की फॉर्म में लिखा था, ठीक है. तो ये एग्जिस्ट ऐसे करता है. ओके तो दिस वॉज ऑल अबाउट फिजिकल स्टेट. नाउ अदर टू प्रॉपर्टी आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज डक्टिलिटी एंड मैलियबिलिटी. You have seen, बेटे जब हम घर पे, आपने एक चीज देखी है, एल्युमिनियम की फॉइल आती है. एल्युमिनियम की फॉइल आ सकती है. एक सिल्वर का वर्क चढ़ा होता है अपनी स्वीट्स पे, चढ़ा होता है ना. ये दोनों क्या है, सिल्वर और एल्युमिनियम, ये क्या है, मेटल्स हैं, है ना. ये दोनों क्या है, मेटल्स हैं. वैसे अगर बहुत कॉस्टली स्वीट्स हो तो आजकल स्वीट्स पे गोल्ड की भी फॉइल लगने लग गई है ना. देयर इज गोल्ड फॉइल ऑल्सो. अगर हम घरों में कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो आपके घरों में आयरन की शीट्स देखी होंगी, मोटी मोटी पड़ी होगी. अगर मैं कार्बन है, कार्बन आपकी पेंसिल की लेड है, पेंसिल की लेड है. अगर मैं इसकी शीट, अगर मेरे पास सिल्वर का एक ब्लॉक है, अगर मैं इसके ऊपर हैमर लगाती जाऊंगी तो उस पर डेंट पड़ता जाएगा और वो थिन होती जाएगी ना, शीट थिन होती जाएगी. मगर यही अगर मैं पेंसिल की लेड के ऊपर हैमर लगाऊंगी, वो थिन नहीं होगी, वो टूट जाएगी वहीं, ठीक है. क्योंकि नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी है ही नहीं कि उसको जब हैमरिंग करें उनकी शीट्स मिल जाए. हमें नॉन मेटल्स की शीट नहीं मिल सकती, मेटल की शीट्स मिल सकती हैं हमें. मेटल का ब्लॉक है, सिल्वर का ब्लॉक है, गोल्ड का ब्लॉक है, मेरे पास आयरन का ब्लॉक है. अगर उसको थोड़ा सा मेल्ट कर दूं, हीट कर दूं मैं और किसी मशीन में पास करूं तो वो पतली 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 फाइल बन जाएगी उसकी. ऐसे ही अगर मैं कार्बन के साथ करना चाहूं, या ऑक्सीजन जो गैस है उसके साथ करना चाहूं, या फ्लोरीन जो गैस है उसके साथ करना चाहूं, आई डोंट थिंक कि मुझे शीट्स मिलेंगी. नहीं मिलेंगी बेटे. कार्बन की दो फॉर्म है, वन इज ग्रेफाइट, वन इज डायमंड. और कार्बन ब्लैक आपने देखे, जब आप आग लगाते हो तो एशेस निकलती हैं, दैट इज कार्बन ब्लैक. वो पाउडर पाउडर ही है, उसकी शीट नहीं बन सकती ना, ठीक है. तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं बेटे मैलियबिलिटी. मैलेबिलिटी क्या है कि जो मेटल्स हैं, अब ये आपने फिर मंडे को अपने आप कर गया, नहीं मैंने लिख दी टर्म, आप समझो और खुद इस चार्ट को भरोगे. उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे आई विल राइट ऑन द बोर्ड, पर खुद के ब्रेन्स लगाना शुरू करो अब, ठीक है. समझा करो, फिर अपने आप अपना चार्ट फिल किया करो. फिर नेक्स्ट डे जब मैं फिल करती हूँ इसको तो आप देखो कि मैम और हमारा चार्ट मिलता है. कुछ एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा कुछ लिखा तो नहीं है बोर्ड पे, ठीक है. अब मैलेबिलिटी क्या है कि हम जब किसी मेटल्स की क्या बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं. तो मेटल्स को क्या कहते हैं, मेटल्स आर मैलेबल, दे कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स.
वी कांट हैमर नॉन मेटल इनटू शीट्स, कैन वी? नो. नाउ दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द नॉन मेटल आर नॉट मैलेबल, दे आर ब्रिटल. दे आर ब्रिटल, दे आर नॉन मैलेबल. दीज आर नॉन मैलेबल. सो अगर नॉन मेलेबल है तो ये क्या है? ये दीज आर ब्रिटल. ब्रिटल का मतलब है अगर इनके ऊपर हैमर लगाएंगे तो ये टूट जाएंगे. सॉफ्ट होते हैं इसलिए नहीं बेटे, इनकी फोर्सेस ऐसे होते हैं. दे हैव वीक कोवलेंट बॉन्ड्स, वी विल डू हायर स्टैंडर्ड. दे हैव मेटालिक बॉन्ड्स. ठीक है, विल डू इन हायर स्टैंडर्ड. ठीक है, अभी मैं कम बोल रही हूँ, फिर बच्चे कहते हैं कि समझ नहीं आता, हायर लेवल को हो जाता है. हाँ, मेलेबिलिटी होते हैं. मेटल्स कैन बी हैमर्ड इन टू शीट्स. आप समझो पहले, आपने आपने कभी भी कार के ऊपर हैमर लगाया है? तो क्या होता है, डेंट पड़ता है वहां पे, टूटता तो नहीं है, क्योंकि वो शीट में कन्वर्ट पतला हो जाएगा. अगर मैं यहाँ पे कोई मेटल रख दूंगी और ऊपर हैमर लगाओगे, वो पतली शीट बन जाएगी. और यहाँ पे अगर मैं लेड रख दूंगी, आपकी पेंसिल की लेड निकाल के रख दूंगी, उसके ऊपर हैमर लगाओगे तो टूट जाएगी. नॉन मेटल टूट जाते हैं. जो मेटल्स हैं बेटे वो टूटते नहीं है, वो जितनी पॉसिबिलिटी हो वो उतने थिन बन जाते हैं. समझ आ रही है? सो किस, हाँ, जितने बेटे जितने एटम्स एक थिन लेयर में आ सकते हैं, जब एटम्स ही नहीं रहेंगे तो खत्म. समझ आ गई? ओके, सो द मेटल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मैलेबिलिटी. व्हाट इज मैलेबिलिटी? दे कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स. नॉन मेटल कांट बी हैमर्ड इनटू शीट्स. व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू सम काइंड ऑफ फोर्स दे विल ब्रेक. दैट इज व्हाई दे आर ब्रिटल इन नेचर. बीट डर के टूट जाते हैं. अगर हैमरिंग करेंगे, अगर मैं यहाँ पे खुद देखो, अगर मैं यहाँ पे आयरन का ब्लॉक रख दूं और एक ग्रेफाइट का ब्लॉक रख दूं, ग्रेफाइट क्या, कार्बन. अगर आयरन के ब्लॉक पे आप हैमर लगाओगे तो वहां पे डेंट पड़ेगा, वो टूटेगा नहीं जल्दी, वो पतला पतला होना शुरू हो जाएगा. अगर यही ग्रेफाइट के ब्लॉक पे मैं हैमर जोर से लगाऊंगी ना, वो टूट जाएगा दो हिस्सों में, उसकी शीट्स नहीं बनेगी, उसके थिन पाउडर्ड पार्टिकल्स बाहर आने शुरू हो जाएंगे, वो टूट जाने. दैट इज कॉल्ड ब्रिटल. समझ आ रही है? एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैलेबिलिटी? दैट कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स. शीट्स, हाँ, ओके, दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के साथ ही मिलती जुलती है बेटे, दैट इज डक्टिलिटी. नाउ हमारे घर पे कॉपर की वायर्स आती हैं, कॉपर की वायर आती है ना. कॉपर क्या है? मेटल है. कॉपर क्या है? वैसे गोल्ड की मैंने रिंग डाली हुई है, या छोटी छोटी बेटे गोल्ड की जब बालियां बनती हैं तो थिन वायर्ड बालियां भी बनती हैं. ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी. इन दिस इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. मेटल्स जो हैं उनकी वायर्स बन सकती हैं, जैसे कि आपने कॉपर की वायर देखी, वैसे सिल्वर की भी वायर बना सकते हो, वैसे गोल्ड की भी वायर बना सकते हो, वैसे आप किसी भी और मेटल की वायर बना सकते हैं. अब आपके लिए कॉपर की हम वायर क्यों बनाते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्या और कोई मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मगर हम सिल्वर यूज नहीं करते क्योंकि सिल्वर कॉस्टली है. ठीक है,
जो हमारी वायर्स हैं, इस वायर्स में क्या है? कॉपर है। क्या आप कार्बन की वायर बना सकते हो? क्या आप ऑक्सीजन गैस की वायर बना सकते हो? ना आप नाइट्रोजन की बना सकते हो, ना ये सल्फर की बना सकते हो, किसी की भी आप वायर नहीं बना सकते। तो नॉन मेटल्स के पास, हाँ जी बोलो, गोल्ड तो मेटल है ना, फिर गोल्ड की वायर बना सकते हैं हम, यूज नहीं कर। हाँ बेटे, द हार्डेस्ट नॉन में वो एलोट्रॉपिक फॉर्म है, यू विल डू इन हाईएस्ट स्टैंडर्ड विद हाइब्रिडाइजेशन, आपको बताएंगे। टेट्राहाइड्रली कार्बन एटम एक दूसरे पे लगे होते हैं। सक्षम स्टैंड अप। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज डक्टिलिटी प्रॉपर्टी? व्हाट इज एक्चुअली व्हाई मेटल आर डक्टाइल? क्या स्टैंड अप, स्टैंड अप। हाँ बता, तू भी बताओ। टाइम मुझे पता, तुझे पूछा, बहुत खराब चल रहा है तेरा। बहुत खराब टाइम है। अब बताओ, व्हाट इज डक्टिलिटी? पहले मैं उनसे पूछ लो, सुन नहीं रहे। हाँ जी वर्षो ने, गुंदास के आगे, गुंदास है, अक्षर स्टैंड अप। व्हाट इज डक्टिलिटी? फिर जिनको मुझे पता आता है आप नीचे हैंड रखो, मुझे पता है जो सुन नहीं रहे हैं। इतनी बड़ी मैंने बारी बारी बातें कर दी कि ये देखो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, ये कॉपर की वायर है, कॉपर की वायर है, ये वायर किसकी बनी हुई है? कॉपर के मेटल की। तो कॉपर मेटल के पास एक प्रॉपर्टी है जिनसे क्या बन सकती है? वायर्स। तो मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड दिस इज नोन एज डक्टिलिटी। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। स्टॉप दिस हैबिट कि टीचर लिखे मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स पेपर में। व्हाट इज डक्टिलिटी? मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मेटल कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स। मम्मा सुन लो क्वेश्चन, याद हो गया, मेटल कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स, इट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। स्टॉप दिस हैबिट ऑफ लर्निंग। अपने दिमाग में कंसेप्ट बना बिठाना शुरू करो, यू आर लर्निंग साइंस। अगर साइंटिस्ट ऐसे याद करके एक्सपेरिमेंट करने लग जाए ना, तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर आप ध्यान से सुनो कि टीचर ने क्लास में कॉपर वायर की एग्जांपल ली थी, जो कि कॉपर एक मेटल है, इसकी वायर बन रही है, और ड्रॉन, ड्रॉन की प्रॉपर्टी है टू बी इन द वायर, इट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। फिर हम दिमाग में ये लगाएं कि मैं ऑक्सीजन की क्या वायर बना सकता हूँ, नाइट्रोजन की बना सकते हैं, क्लोरीन की बना सकते हैं, ब्रोमीन की बना सकते हैं, नहीं। तो नॉन मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है, कैसे बनाएगा बेटे? एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक रो में 10 स्टूडेंट बैठे हैं, 10 इंटेलिजेंट है, 2 नालायक भी हो सकते हैं।
So that is exception, and chemistry is full of exceptions. नॉन मेटल में भी आपने एग्जाम्पल करी कि नॉन मेटल जनरली गैसेस होती हैं, इतने हार्ड सॉलिड नहीं होते, बट डायमंड इज अ सब्सटेंस विच इज हार्डेस्ट, दैट इज नॉन मेटल. ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एक्सेप्शंस आर देयर ऑलवेज. ट्राई टू लिसन द टीचर. इफ यू आर गुड लिसनर यू कैन गेन. You are not here to talk in the class. और मैंने ये कोई रिकॉर्डिंग की परवाह नहीं करनी. पता है मुझे कितनी की रिकॉर्डिंग खोल के सुनते हो आप. पेरेंट्स को मैंने फोन जरूर कर देना आपके. टू प्रॉपर्टीज सिर्फ डिस्कस करी हैं आज आपने, और टू प्रॉपर्टीज आपसे सुनी नहीं गई. फिजिकल स्टेट हम कल डिस्कस कर चुके हैं. और दोनों प्रॉपर्टीज आप देख रहे हो कि आप एल्युमिनियम की फॉइल में रैप करके लेके आते हो खाना, आपके अराउंड कॉपर की वायर्स हैं, गोल्ड की ज्वेलरी है. दिस इज बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट ओनली. बातें करने के लिए भेजते हैं मम्मा यहाँ पे. उत्थे मैं ना बाहर मंजी लगा देनी हूँ. और अब सर्दियां आ रही हैं, हमारे पास बहुत मटर आ जाने हैं, ठीक है, सब कुछ आ जाना है अवेलेबल. जिसकी मेरी क्लास में आवाज आई, आई विल रिक्वेस्ट टू प्रिंसिपल मैम कि घर के जो भी टीचर्स के काम है इनको दे दो, क्योंकि क्लास में सुनना तो है नहीं इन्होंने. ये आराम से बैठ के सब्जियां काटेंगे धूप में. ठीक है, दुख सुख अपने वो सांझे करेंगे. ठीक है, क्लास में मैंने तो बात करने नहीं देनी. फिर आप वो हमने लगवानी भी स्टेज पे अच्छी धूप, बिल्कुल कड़क धूप आती है वहां पे. ठीक है, सारे स्कूल को पता चलेगा वो दो बात करने वाले बॉयज बैठे हैं. जिस जिस क्लास में जो बच्चे बात करते हैं ना, उनके लिए वहां पे लग जानी परमानेंट. और पेरेंट्स पूछेंगे वहां क्यों लगी है, क्योंकि स्कूल में पढ़ने तो आते नहीं है, मार हम सकते नहीं है. हमने कहा कुछ अच्छा काम कर लें, साथ में हमारा काम भी हो जाए. ऐसे तो ये क्लास को डिस्टर्ब करते हैं. ठीक है, तो जो फिर जो काम करने आते हो ना वो करो, बातें करने नहीं आते हो. ठीक है, सिट डाउन. अब हमने आज क्या सीखा बेटे, मेटल्स आर मेलेबल एंड मेटल आर डक्टाइल टू. व्हाट इज मेलेबल, देयर प्रॉपर्टी टू ड्रॉन टू बीटन इनटू थिन शीट. What is ductility or why they are ductile? They have property because of which they can be drawn into wires. So this kind of property is not present in non-metals. Non-metal can't be drawn into wires, can't be beaten into sheet. They just can be broken when hammered. Thus they are brittle in nature. ड्रॉन किया, खींचा, हैमर्ड या बीटन है. गॉट द कंसेप्ट? स्टिल 2 मिनट्स आर आई थिंक रिमेनिंग. हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग? कहां से आ जाता है? जयंत हैज डाउट. यस जयंत, सिट डाउन. मैम कार्बन का सिंबल क्या है? सी, कार्बन इज सी. बेटे कल रिवीजन चल रही थी एंड वी डोंट हैव टाइम नाउ. एक पीटीएम हो जाए, एक बारी आज भी पीटीएम मंडे से.
बट फ्यू एक्सेप्शन आर देयर। तो ये आपका थ्री चीज का चार्ट बना होना चाहिए और लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है? व्हाट द पॉइंट? सो वी आर लेफ्ट विद, अच्छा, एक प्रॉपर्टी लस्टर, दैट इज कॉल्ड चमक, शाइन। क्या मेटल चमकते हैं? सक्षम बताएगा? नो, खड़ा जा। मेटल चमकते हैं कि नहीं? स्टैंड अप। यहाँ पे अगर मैं आयरन की शीट रख दूं और यहाँ पे अगर मैं लाइट बिल्कुल सीधी डालूं तो आगे आंखों पे चुभेगा कुछ? चुभती लाइट वापस, रिफ्लेक्ट करती वापस? क्या मेटल शाइन करते हैं? नॉन मेटल करते हैं? नॉन मेटल करते हैं? नहीं करते। एक्सेप्शन है। क्या सिल्वर शाइन करता है? गोल्ड, एल्युमिनियम करता है? कितना वो करता है? करेगा शाइन लाइट के बिना? करेगा क्यों? लाइट के बिना क्यों नहीं करेगा? फिर डार्क में क्या होएगा? तो दिखेगी नहीं, मेटल पड़ा है, नहीं पड़ा दिखेगा। बता, वो तारे देखे टिम टिम, वो जो लगते हैं, वो जो एक वो रात को चमकते हैं तारे, वो तो मेटल होते ही नहीं फिर भी चमकते हैं, क्यों? भी चमकता है।